हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के ईवीएस करेंगे, जो आपको बार बार यहाँ से पूछा जाता है एक नंबर के लिए। ठीक है, हम कंसेप्ट भी करेंगे और प्लस एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मधुबनी चित्रकला से एक नंबर के लिए आता है, ये आपने देखा होगा सीटेट एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए, ये मिथिलांचल क्षेत्र में है, जैसे कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी या नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख होते हैं। और मधुबनी जिले के जितावरपुर गांव इस लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पे? मधुबनी जिले के जितावरपुर गांव में इस लोक का कला जो चित्रकला है उसका मुख्य केंद्र है। शुरुआती दौर में यह चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुआ, फिर बाद में यह धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर। ठीक है, जो जो मैं आपको रेड लाइन से क्यों ना, ये मेन की पॉइंट है। मिथिला की औरतें द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। ठीक है, ये किसने पहले शुरू किया था? तो आप बताएंगे कि जो वहां की औरतें थी उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कोई काम किया और जो औरतें काम करती थी, पुरुषों ने जो मेल थे उसको भी मान्यता दे दी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी फर्स्ट ही मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की विशेष कला है? तो अभी इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार जो होता है बिहार का ये है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य की कला है? ऑप्शन ए दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया असम, ऑप्शन सी दिया राजस्थान, ऑप्शन डी दिया हरियाणा। तो कलमकारी चित्रकारी कहाँ कहे थे, ये आंध्र प्रदेश का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर पट चित्रकला। ठीक है, पट का अर्थ होता है, पट मीन्स क्या होता है, कपड़ा। पट मीन्स क्या होता है, कपड़ा। यह उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दस अवतार और कृष्ण के जन्मदिन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया तीसरा वाला कि पिथौरा चित्रकला कहाँ का है? तो ये भील जनजाति की सबसे बड़े त्योहार पिथौरा है। ठीक है, घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला मध्य प्रदेश के पिथौरे क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में और पिथौरे क्षेत्र के इस कला के उद्गम स्थल माना जाता है। इस कला के विकास में भील जनजाति के लोगों का योगदान उल्लेखनीय है, जिसमें पारंपरिक रंगों का, ठीक है, पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों में ये मनाया जाता है और भील नायक ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन और थर्ड आ चुका है, फाड़ चित्रकारी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का, आपका डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कलमकारी से पढ़ते, अभी मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाई थी। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ कलम से बना है। ठीक है, कलम कलमकारी का मतलब देखिए, यहाँ पे कलम लिखा है ना, कलमकारी। ठीक है, कलमारी, ठीक है, कलमकारी, यहाँ पे कलम, हाँ, कलमकारी चित्रकला का शाब्दिक अर्थ होता है, कलम मारी का अर्थ होता है, यहाँ पे कलम से बनाए गए। ठीक है, यह भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला एक जिसमें हाथ से क्या होती है, इसको बनाया जाता है सूती कपड़ों पर। ठीक है, और ब्लॉक से इसको छापा छाप बनाई जाती है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत के आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के राज्य कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम एवं ईरान में प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, पट चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा। तो ये आपका कहाँ से है, अगर मैं बात करूं इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, पट चित्रकला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला के नाम का कहा, वर्ली चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र जनजाति से है। ठीक है, एक छोटे से जनजाति वर्ग से अलंकृत चित्र गोड़, ठीक है, गोड़ तथा कोल जैसे जनजातियां घरों में और पूजा घरों के फर्शों दीवारों पर बनाए जाते हैं। वृक्ष, पक्षी, नर नारी मिलकर एक वर्णित चित्र को पूर्णता प्रदान करती है। ये चित्र शुभ अवसरों पर आदिवासी महिलाओं द्वारा दिनचर्या के रूप में हिस्से में एक तरह से रंगोली बनाई जाती है। आप लोग महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं उनको पता है ये रंगोली बनाई जाती है, हमेशा लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, जिसमें पक्षी रहते हैं, दीवारों को भी बनाते रहते हैं ये लोग, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये वर्ली चित्रकला कहाँ की है पूछा जाएगा आपका यहाँ पे, तो बताएंगे आप महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।